हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे पास्ता, बिल्कुल ही ठेले स्टाइल वाला पास्ता बनाएंगे। तो चलिए, पास्ता बनाने के लिए हम 2 पैकेट पास्ता ले लेंगे, बहुत ही छोटे पैकेट के हम लिए हैं 2। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम पानी में डालकर धो लेंगे, पहले कट कर लेते हैं। तो चलिए, एक बाउल ले लेंगे, उसमें सभी पास्ता को कट करके डाल देंगे। तो देखिए, इसे अब हम धो लेंगे 1 या 2 पानी से। आप नहीं धोना चाहते तो नहीं भी धो सकते हैं, तो हम धोते हैं तो धो लेते हैं। तो अभी धोने के बाद एक कढ़ाई गैस पर बिठा दिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पास्ता को पानी दोनों एक साथ ही ऐड कर देंगे। इसे बॉयल करने के लिए रख देते हैं। बॉयल करने के लिए हम हल्का सा नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच के करीब आपको नमक ऐड कर दे देना है। तो चलिए, इसे बॉयल होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब इधर 3 से 4 हम प्याज का तीन प्याज दो एक दो पड़िया प्याज काट लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च काट लेंगे, और हम 1 टमाटर ले लेंगे। आप बाज़ार से पास्ता मसाला ले सकते हैं, घर की हल्दी और गोल मिर्च पाउडर ले सकते हैं, हल्का सा लहसुन का पेस्ट या लहसुन कूटा हुआ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा पास्ता बिल्कुल बॉयल हो चुका था, तो अभी इसे छान लेते हैं। तो देखिए, पास्ता को हमने छान कर अलग कर दिया था। अब कढ़ाई में डाल देंगे सरसों ऑयल या रिफाइन ऑयल, जिसमें आप बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। सभी बच्चों को ठेले स्टाइल वाला पास्ता बहुत ही पसंद आता है, कभी भी बाज़ार जाने से वो बहुत ही जिद करते हैं खाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाएं और ट्राई कीजिए, आप भी बच्चे को बहुत पसंद आएगा, कि बच्चे भी बहुत खुश होंगे। आप इसे टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अभी डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बीच से केवल फाड़ दिया, कट दिया था। मिर्च को लाल होने के बाद हमने डालेंगे प्याज। तो मिर्च हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका था। इधर बहुत ही बारिश हो रही थी अभी, तो अभी इसमें डाल देते हैं प्याज कटे साइज के। ये प्याज चौपनी के जो हमने सब्जी में डालने वाली प्याज कटते हैं उसी ही तरह हमने कट कर लिया है, पतला सा। आप 2 या 1 प्याज भी ले सकते हैं, प्याज भी नहीं खाना चाहते प्याज बाद दे सकते हैं। कोई भी आप हरी सब्जियां हो वो डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। तो अभी तो सब्जियां नहीं मिलती है बरसात के मौसम में ज़्यादा, तो इसीलिए बगैर सब्जी के ही हम बनाए हैं। अभी 1 टमाटर हमने कट करके ऐड कर दिया है इसमें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को फ्रेंड जरूर शेयर करें। तो अभी हमने लहसुन को 2 कलियाँ कूट करके ऐड कर दिया है। लहसुन की केवल बिल्कुल हम 2 ही कलियाँ लिए हैं, क्योंकि बच्चों को लहसुन खाना पसंद नहीं होता है, इसीलिए आप कम ही डालें। अभी नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक ऐड करने के बाद हम डालेंगे मसाले। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल देंगे कलर के लिए आने के लिए, और थोड़ा गोल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे हमारा थोड़ा पास्ता चटक अच्छा लगेगा। गोल मिर्च डालने से अच्छा आता है, स्वाद भी इसका अच्छा आएगा। तो अभी हमने पास्ते को ऐड कर दिया है। देखिए, पास्ता बिल्कुल सटा ही नहीं है, बिल्कुल खुले खुले पास्ते हमारे बने थे, बिल्कुल वाइट। आप इस तरह का पास्ता एक बार ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, सभी को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसमें डालेंगे अभी 2 से 3 मिनट भूनने के बाद डालेंगे हम पास्ता मसाला। अब पास्ता मसाला है या मैगी मसाला, कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं। तो आज हम पास्ता बना रहे थे, पास्ता मसाला ही इसमें ऐड करेंगे। और हल्की सी पानी भी ऐड कर दे देते हैं। आप जो बॉयल किया हुआ पानी वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अलग से पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने अलग से पानी ऐड कर दिया था, वो बॉयल किया हुआ पानी डालने से क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है पास्ता। इस पानी से अब और अलग से पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और अभी ही हम डाल देते हैं पास्ता मसाला, 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे या 1 चम्मच के करीब। आप जितना स्वाद खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा पास्ता बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। सूखी सूखी पास्ता बिल्कुल ठेले वाली पास्ता बनकर तैयार हो चुकी है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, इसे कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट, हम पास्ता को रेडी हो चुका था, अब घी गैस को बंद कर देंगे हम। अभी कर लिए थे हमने गैस को बंद, 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिए थे। तो अभी एक प्लेट में निकाल कर आपको सर्व कर कर दिखाएंगे। तो चलिए, हमने फटाफट पास्ता को सर्व कर लिया था। आप इसमें चीज़ डालना पसंद करते हो वो भी ऊपर से डालकर हड़का खा सकते हैं, या बटर डालना कोई पसंद करता है, आपको जो इच्छा हो वो डालकर खा सकते हैं। तो चलिए, हमारी पास्ता रेडी हो चुकी थो। तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर लीजिए और सेव भी कर सकते हैं अपने पास। आप वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक किसी पर भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर। आप वीडियो अच्छी लगती, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। तो इसी तरीके वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।